जितने भी जो 2016 में और 2017 में जनवरी में अभी तक जितनी भी रैंकिंग आई है, ये 2017 में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सब में यही पूछी जाएगी। इसीलिए मैंने कंपाइल्ड एक बना ली है, बहुत सारी जगह से मैंने इसमें कलेक्ट कर करके डेटा लाया हूँ। मैं सुबह से लगा हूँ उसमें, मैं ये बनाई मैंने इसीलिए फाइल। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिया की लॉजिस्टिक्स। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं, पहली अगर कोई भी ऐसा इंडेक्स आता है तो उसमें आपको दो चीजें जरूर पता होनी चाहिए। पहली बात कि इंडिया की उसमें रैंक कितनी है, दूसरी बात कि उसको पब्लिश कौन करता है। और फिर अगर कुछ कई बार ये भी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि जो साउथ एशिया की कंट्री है, जो नेबर कंट्री है इंडिया से, उससे उस हिसाब से इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा है रिलेटिवली। सबसे पहला इंडेक्स है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, और इसको पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। तो आप इसको याद रखिएगा, इसके हिसाब से इंडिया की रैंकिंग थी 35। इंडिया की रैंकिंग कितनी थी लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में, 35th रैंकिंग थी इसकी 2016 की रैंकिंग में। और दूसरी बात ये देखिए, जो मैंने येलो कलर से और ये जो ग्रीन कलर से मार्क करके रखता हूँ, इसको आप जरूर देखते रहिए। ये जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है बाई एनुअल है, मतलब 2 साल में एक बार रिलीज होती है रिलीज, ये जो भी रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। इंडिया की 35th रैंकिंग थी, और ये जो वर्ल्ड बैंक बाई एनुअल रिपोर्ट आई थी कनेक्टिंग टू कम्पीट 2016 ट्रेड लॉजिस्टिक्स इन द ग्लोबल इकोनॉमी, इसका पार्ट है ये। और 3 बार से लगातार जर्मनी इसमें नंबर 1 पे है, तो ये आपको याद रखना है। इसका मतलब होता है कि इसकी इम्प्रूवमेंट हुई है इंडिया की रैंकिंग में, और इसका ये जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कई सारा इसमें प्रयास कर रही है, बहुत ज्यादा कमिटेड है कि जो बिजनेस करना इंडिया में इजी हो जाए, उसी के प्रयासों की वजह से इंडिया की रैंकिंग सुधरी है। फिर वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स जो 2016 में, उसमें इंडिया की रैंकिंग थी 77th, और ये टोटल 171 कंट्रीज में से इंडिया की रैंकिंग है ये। इसको रिलीज किया था, ये देखिए एक दो तीन ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, और दूसरा जो इंस्टीट्यूट है बुंडनिस एंटविनिस करके है ये, और तीसरा यूनिवर्सिटी ऑफ स्टटगर्ट जर्मनी की। इन तीनों ने मिलकर इस इंडेक्स को डेवलप किया है वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स। देखिए इसका मतलब होता है कि इंडेक्स ये एसेस करता है कि कोई भी कंट्री है तो उसमें डिजास्टर रिस्क से लड़ने की कैपेसिटी कितनी है, उसका इंडेक्स के हिसाब से टोटल कंबाइन एनालिसिस की जाती है नेचुरल हैजर्ड्स की, फ्लड्स की, साइक्लोन की, इन सब की। तो देखिए इंडिया की रैंकिंग 77 है, मतलब इंडिया काफी अच्छी पोजीशन है, बेटर पोजीशन में है पाकिस्तान से, और भी इंडिया के बगल में बांग्लादेश है, उसकी रैंकिंग सिर्फ 5th है, मतलब वो काफी ज्यादा वल्नरेबल है। तो इसमें रैंक अच्छी लाना, मतलब अगर आपकी रैंक 1 है तो आपके जो डिजास्टर का रिस्क है वो सबसे ज्यादा है। इंडिया की रैंकिंग 77 है, मतलब काफी बेटर पोजीशन पे है इंडिया। फिर अगर आप तीसरी रैंकिंग देखेंगे, देखिए टॉप 10 मैन्युफैक्चरर लिस्ट में इंडिया की जो पोजीशन है वो 6 नंबर पे है, ये यूनिडो की रिपोर्ट है। और टॉप 5 में अगर आप देखें, सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरर है पूरी दुनिया में वो है चाइना, 2nd नंबर पे यूएस है, 3rd नंबर पे जापान है, 5th 4th नंबर पे जर्मनी, 5th नंबर पे साउथ कोरिया, और 6th नंबर पे है इंडिया टॉप 10 मैन्युफैक्चरर लिस्ट में से। इसको डेवलप कौन करता है, यूनिडो यानी कि यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये 2015 की रिपोर्ट के हिसाब से ये 3 पोजीशन इसने इंडिया ने जंप की थी। पहले इसकी 9th पोजीशन थी, फिर ये आ गई 6th पोजीशन पे, तो ये आप याद रखना है। फिर इंडिया की अगर आप ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में रैंकिंग देखेंगे तो इंडिया की रैंकिंग थी 39th। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ये मेजर करता है कि कोई भी कंट्री कैसा ये परफॉर्म करता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के टर्म्स में, उसमें 138 कंट्रीज का वो किया गया था एनालिसिस, और 39th रैंक थी इंडिया की पूरी दुनिया में। और इसको पब्लिश कौन करता है, इसको पब्लिश करता है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ये रिपोर्ट थी उसी का पार्ट है ये। देखिए जो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है 12 पिलर पे बेस्ड रहता है ये, किसी भी कंट्री के इंस्टीट्यूशंस, मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और ट्रेनिंग, लेबर मार्केट एफिशिएंसी, गुड्स एंड मार्केट एफिशिएंसी, इन सब के हिसाब से ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स बनता है। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, सिंगापुर नंबर 2 पे था इसमें, और इंडिया ने 16 प्लेसेस जंप किए। पहले इंडिया की रैंकिंग थी 55th 2015-16 में, लेकिन 2016-17 में 39th हो गई थी, तो इंडिया की रैंकिंग ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 39th थी। देखिए ये है, उसमें डायग्राम में भी दिया हुआ है, इंडिया 2 सालों में अपनी रैंकिंग काफ़ी सुधार चुका है, पहले 55th थी 2015-16 में, फिर 39th हो गई थी। और ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट जो पब्लिक
इंस्टीट्यूशन उनको प्रूव किया गया है, ओपन किया गया है इंडिया को, इंडियन इकोनॉमी को फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, ट्रांसपेरेंसी इंक्लूड की गई है। लेकिन इंडिया में अभी भी क्या चीज़ लैक करती है, मतलब कमी क्या है, लेबर मार्केट काफ़ी रिजिड है, काफ़ी ज़्यादा रिजिड रेगुलेशंस हैं, इफिशेंसी काफ़ी कम है डोमेस्टिक मार्केट की, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। टॉप 5 कंट्रीज अगर आप देखें, स्विट्जरलैंड है, फिर सिंगापुर है, फिर यूएस है, फिर नीदरलैंड है, फिर जर्मनी है, और ब्रिक्स के हिसाब से देखें तो चाइना नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पे है इंडिया, फिर थर्ड नंबर पे रशिया, फिर फोर्थ ब्राज़ील। मतलब जो इंडिया है वो बाकी 3 से बेटर है, चाइना से बेटर नहीं है बस। तो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में रैंकिंग इंडिया की कितनी थी लेटेस्ट, 39th। फिर अगर आप देखें वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग थी 112, 112वीं रैंक थी इंडिया की इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। देखिए इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स का मतलब होता है कि ये क्या फ्रीडम है आपके पास, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, जो भी सिटीजन्स हैं किसी भी कंट्री के उनको क्या क्या फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं उस कंट्री के अंदर। तो वही इसी रिपोर्ट ने वो मेजर किया था इकोनॉमिक फ्रीडम, उसमें एनालाइज किया था वहाँ की पॉलिसीज को, इंस्टीट्यूशन के 159 कंट्रीज इसमें एनालाइज की गई थी और इंडिया की रैंकिंग थी 112। और इसको पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को इसको पब्लिश करता है सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी, एक पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है, और प्लस कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट। तो अगर आप देखें इंडिया में जितने भी नेबर कंट्री हैं उसके हिसाब से देखेंगे तो वी आर ओनली बेटर देन बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड हिज मास्टर चाइना। पाकिस्तान का मास्टर चाइना प्लस पाकिस्तान और बांग्लादेश, हम इन तीनों से बेटर हैं, बाकी भूटान और नेपाल और श्रीलंका हमसे काफ़ी आगे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। मतलब हमारे पास उतनी फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज नहीं है जो हम इंडियन सिटीजन हैं उनके पास नहीं है, इन जो कंट्रीज हैं बाकी जो 111 कंट्रीज हैं उनके पास हमसे बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं और हमसे ज़्यादा फ्रीडम है। हांगकॉन्ग इसमें नंबर 1 पे था वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में, और वेनेजुएला इसमें 159, यानी कि लास्ट पोजीशन थी वेनेजुएला की, हांगकॉन्ग नंबर 1 पे था। फिर देखिए ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट है, ये WEF इसको पब्लिश करता है, उसमें इंडिया की रैंकिंग थी 87th, 144 कंट्रीज को इसमें एनालाइज किया गया था और इंडिया की रैंकिंग थी 87th ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में, और इंडिया ने 21 पोजीशन की जंप लगा दी। पहले 2005 में इंडिया की रैंकिंग थी 108th, और ये जो जेंडर गैप को ये रिपोर्ट मेजर करती है, मतलब एज ए प्रोग्रेस टुवर्ड पैरिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, मतलब ग्लोबल जो जेंडर गैप होता है उस हिसाब से करता है ये कैसे ग्रोथ हो रहा है। 4 ये इसमें पैरामीटर लिए जाते हैं, एजुकेशनल इन अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। उन हिसाब से इंडिया की जो रैंकिंग है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में उसमें 87 थी। विंड पावर की अगर आप बात करें तो ग्लोबल विंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 4th है, ओवरऑल इंडिया के पास 4th नंबर की लार्जेस्ट विंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। इंडिया की जो है करीबन 25,000 मेगावाट थी, और ये इसको पब्लिश किसने किया, ग्लोबल विंड रिपोर्ट एनुअल मार्केट फ्लैगशिप पब्लिकेशन ऑफ द ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। देखिए जो सबसे ज्यादा विंड एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, चाइना, ये आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा विंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है चाइना, सेकंड नंबर पे यूएस प्रोड्यूस करता है, थर्ड नंबर पे जर्मनी। चाइना की जो विंड एनर्जी कैपेसिटी है 1.45 ये गीगावाट है। इंडिया की जो टोटल कैपेसिटी है 2016 में अगर आप देखें तो 28,000 इंडिया की कैपेसिटी है, ये इंस्टॉल कैपेसिटी है विंड पावर की। सबसे ज्यादा इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी स्टेट वाइज देखेंगे तो कहाँ पे, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा विंड कैपेसिटी है, विंड जनरेशन कैपेसिटी, विंड एनर्जी कैपेसिटी। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे गुजरात, फोर्थ नंबर पे राजस्थान, फिफ्थ नंबर पे है कर्नाटक, सिक्स नंबर पे एमपी। देखिए हमने एक टारगेट लिया हुआ है 175 गीगावाट हमको करना है प्रोड्यूस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से 2022 तक। उस 175 में से 100 गीगावाट हमको सोलर से प्रोड्यूस करना है, 60 गीगावाट करना है विंड से, 10 गीगावाट करना है बायोमास से, 5 गीगावाट करना है स्मॉल हाइड्रो पावर। ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के हिसाब से। अब 2-3 क्वेश्चन आप सुन लीजिए। सबसे पहले कि इंडिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर कहाँ पे प्रोड्यूस होती है ये बताइएगा कमेंट करके। फिर इंडिया में थर्मल पावर में सबसे ज्यादा, मतलब थर्मल पावर के प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट है। इंडिया में जूट का प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है, सबसे ज्यादा जूट कहाँ पे प्रोड्यूस होती है,
इंडिया में गोल्ड सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन गोल्ड का कहाँ पे होता है इंडिया में, और सबसे ज्यादा इंडिया में रबड़ का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, सबसे ज्यादा इंडिया में कॉफी का प्रोडक्शन होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए इंडिया की रैंकिंग जो वेरियस इंडेक्स में है, इसका पार्ट वन हम देख चुके थे, पार्ट टू देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ, क्योंकि काफी दिनों से कई लोग कह रहे थे कि एक फेसबुक ग्रुप होना चाहिए। ये फेसबुक ग्रुप मैंने बना दिया है, facebook.com/groups/studyforcivilservices। ये हमारा ग्रुप है, अब जो भी पीडीएफ होगी हम इसमें शेयर करते रहेंगे, और जितनी भी हमारी एक्टिविटीज होती है वो सब इसमें होती रहेंगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए इस ग्रुप को। इस ग्रुप की लिंक मैं इसमें दे दूंगा, बाकी ये मेरा प्रोफाइल है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, चलिए रैंकिंग्स। हम बहुत जल्दी एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चालू करेंगे, कि जिससे जो भी स्टूडेंट को अगर कोई पर्सनल कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई डिस्कशन है वो मुझसे कर सकता है। चलिए पहला पार्ट देख चुके थे, दूसरा पार्ट इसमें देखते हैं। एमपीपीसीएस अभी एग्जाम आने वाला है, बीपीएससी आने वाला है, सबके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। इंडिया की रैंकिंग अगर आप एफडीआई इनफ्लोज में देखेंगे तो 10th रैंकिंग थी लास्ट ईयर 2016 में। देखिए कोई भी इंडेक्स की रैंकिंग हो, दो चीजें मैंने बताई हैं आपको हमेशा याद रखनी है। सबसे पहली बात कि इंडिया की कितनी रैंकिंग थी, दूसरी बात कि उस इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है। जैसे अभी जो उत्तराखंड का पीसीएस का पेपर आया था, उसमें जो मैंने बताई थी, इसमें पार्ट वन से ही एक क्वेश्चन आया था डायरेक्टली, तो वैसे ही आपको याद रखना है कि एफडीआई इनफ्लोज की जो रैंकिंग है उसको पब्लिश कौन करता है, यूएनसीटीएडी। और ये 2016 की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से इंडिया की रैंकिंग थी, ओवरऑल इकोनॉमी वाइज 10th रैंकिंग थी 10th। और इंडिया का जो एफडीआई इनफ्लोस था $44 बिलियन रहा है वो 2015 में, ये 2014 में था $35 बिलियन, और ये बढ़ के $9 बिलियन बढ़ गया और ये हो गया $44 बिलियन। अगर आप टॉप 10 कंट्रीज की बात करेंगे जिनके यहाँ सबसे ज्यादा एफडीआई इनफ्लो आता है, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे आता है, नंबर वन पे है यूएस, नंबर टू पे यूएस में करीबन $320 बिलियन के आसपास आता है एफडीआई, और सेकंड नंबर पे फिर हांगकांग है, फिर थर्ड पे चाइना है, फोर्थ पे आयरलैंड है, फिफ्थ पे नीदरलैंड है, सिक्स्थ पे ये स्विट्जरलैंड है, फिर सिंगापुर है, और फाइनली 10th पे हम है इंडियन। तो इंडिया की रैंकिंग ये थी। फिर इंडिया की गुड कंट्री इंडेक्स में जो 2015 की रैंकिंग, देखिए जो गुड कंट्री इंडेक्स है, पहली बात तो ये हर साल नहीं पब्लिश करते हैं रैंकिंग, ये बाई एनुअल इंडेक्स है, मतलब ये 2015 में आई थी, फिर ये फाइनली 2017 के एंड तक आएगी। इसमें इंडिया की रैंकिंग थी 70th, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इसको फाउंड किसने किया था, एक साइमन एनहोल्ड करके हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के एडवाइजर हैं ये, और इसका एम था कि ऐसे वेज फाइंड किए जाएं जिससे कि कंट्रीज को आपस में कोलेबरेट और कोऑपरेट करने में आसानी रहे और कंपीट कम करें और ये गुड कंट्री की तरह बिहेव करें। की रैंकिंग थी 70th, 70वीं रैंक थी इंडिया की, 163 की लिस्ट थी इसमें, और ये लिस्ट को टॉप किसने किया, स्वीडन ने। स्वीडन बेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द कॉमन गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। फिर ये इंडिया की इंक्लूसिव डेवलपमेंट, देखिए इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में है, अभी इसमें नहीं कर पाया था मैं, बाकी मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो आप लोग बने रहिएगा इसमें जो हिंदी मीडियम वाले हैं, वैसे मैं इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको ये समझ में आना चाहिए। देखिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट एक टर्म होता है, कई बार गवर्नमेंट में भी यूज किया जाता है, न्यूज में भी आता रहता है। इंक्लूसिव मतलब होता है कि सबको साथ लेके चलना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीजेपी की जो गवर्नमेंट चल रही है, जिसका की मोटो भी है अभी सबका साथ सबका विकास, की इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, उसमें अगर आप देखेंगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग थी 60th। 79 डेवलपिंग कंट्रीज इसमें से इनकी एनालाइज किया गया था 2017 में, और इसमें जो इंडिया की रैंकिंग थी 60th थी। और इसको जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स है इसको किसने पब्लिश किया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसने इसको पब्लिश किया था इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स को। 12 परफॉर्मेंस इंडिकेटर पे बेस्ड थी रैंकिंग, और जो भी कंट्रीज थी उनको 1 से लेकर 7 तक स्केल पे स्कोर दिया गया, और उसी हिसाब से इंडिया की रैंकिंग आई 60th। 3 पिलर पे बेस्ड है ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट। देखिए एक होता है सिर्फ जीडीपी ग्रोथ की, आपकी जीडीपी ग्रोथ बढ़ती जा रही है, एक होती है इंक्लूसिव डेवलपमेंट ग्रोथ, मतलब जो पुअर लोग हैं, जो डिप्राइव्ड क्लास के लोग हैं, जो सोशली बैकवर्ड हैं, वो भी बढ़ रहे हैं, उनकी भी इनकम बढ़ रही है। सिर्फ ओवरऑल से कुछ नहीं होता है, सबकी इंक्लूसिव, सबको साथ लेके चलना है, सबका विकास करना है, तो वही वाला है।
तीन पिलर्स पे ये डिपेंडेंट है, ग्रोथ और डेवलपमेंट, इंक्लूसिव इंक्लूजन एंड इंटरजेनरेशनल इक्विटी, और तीसरा है सस्टेनेबिलिटी। इसके हिसाब से इंडिया की रैंकिंग थी 79 डेवलपिंग कंट्रीज की रैंकिंग में, इंडिया की 60th थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा इस पे फोकस कर रही है लास्ट एक दो सालों से, लेकिन फिर भी इंडिया की ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में रैंकिंग नहीं बढ़ी। देखिए 2015 में रैंकिंग थी वो थी फाइनली जो अपडेट होके 131 थी केवल, और फिर इसको 2016 में जो रैंकिंग इंडिया की आई वो 130th आई, तो एक प्लेस का सिर्फ इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो इतना ज्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट किया नहीं है। वैसे भी जो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये वर्ल्ड बैंक जिसे पब्लिश करता है इसमें कई बार ये बायसनेस रहती है। इंडिया के अगर भारत के संदर्भ में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का पहला और दूसरे स्थान पे है, गुजरात तीसरे पे है, और छत्तीसगढ़ ये तीसरे स्थान पे, ये छत्तीसगढ़ है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना फर्स्ट पे हैं और दूसरे स्थान पे है गुजरात, और थर्ड पे है छत्तीसगढ़। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर आप स्टेट वाइज देखेंगे इंडिया में उसके हिसाब से, पूरे कंट्री वाइज देखेंगे तो इंडिया की रैंकिंग कितनी थी जो लेटेस्ट 2016 में थी, 130 पोजीशन थी इंडिया की आउट ऑफ 190 कंट्री, 190 कंट्री की रेस हुई और इंडिया की जो रैंकिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 130 थी। इसको पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड बैंक पब्लिश करती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ये आप जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका भी है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। ये वर्ल्ड बैंक की एनुअल रिपोर्ट आई थी डूइंग बिजनेस 2017 इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, उसमें इंडिया की रैंकिंग थी 130। हायर रैंकिंग अगर किसी कंट्री की होती है तो इसका मतलब वहां का जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा कंड्यूसिव है और वो बहुत ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा फेवरेबल है कि कोई भी वहां पे स्टार्टअप आ सकते हैं और ऑपरेशन ऑफ फर्म्स के लिए। अगर आप इंडिया के नेबर्स की रैंकिंग देखेंगे तो इंडिया इसमें बेटर है सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश से, बाकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भूटान हमसे बेटर है 73 रैंक के साथ, चाइना हमसे बेटर है, नेपाल हमसे बेटर है, और श्रीलंका भी हमसे बेटर है। ये देखिए ग्राफ बना हुआ है, इसमें न्यूजीलैंड नंबर वन पे था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 2016 में, फिर सिंगापुर था, फिर डेनमार्क था, और ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिस पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग होती है उस पे बेस्ड होती है। स्टार्टिंग अ बिजनेस, फिर डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्ट्रिंग प्रॉपर्टी, गेटिंग क्रेडिट प्रॉपर्टी, ये मतलब इतने सारे पैरामीटर्स पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रेटिंग होती है वो बेस्ड होती है। फिर ICT डेवलपमेंट इंडेक्स 2016 जो था उसमें भारत का स्थान था 138, तो इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? 138 रैंक थी इसकी 2016 के ICT डेवलपमेंट इंडेक्स में आउट ऑफ 175 कंट्री, 175 कंट्रीज की रैंकिंग में ICT डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग थी 138, और ये 2015 में थी रैंक हमारी 135वीं, तो इसमें जो ICT डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें 2016 में ये रैंकिंग गिरी थी। और इसको कौन रिलीज करता है? इसको रिलीज करता है ये इंफॉर्मेशन सोसाइटी रिपोर्ट ऑफ ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। फिर न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट जो 2016 में आई थी उसके हिसाब से देखिए, पहली बात तो एक इंडिया की रैंकिंग आई है और एक मुंबई की रैंकिंग आई सिटी वाइज, तो उसमें ये न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट है ये इसको पब्लिश करती है। इसमें भारत की राजधानी या आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई जिसको फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं वो 14th नंबर पे थी पूरे वर्ल्ड में। सिटी वाइज अगर देखेंगे लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो को फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें मिला है इसमें प्लेस, और मुंबई इसमें 14th प्लेस पे थी। लेकिन अगर आप इंडिया देखेंगे तो इंडिया अगर टोटल वेल्दीएस्ट कंट्री की लिस्ट में इंडिया ये 7वें नंबर पे, अगर टॉप 10 वेल्दीएस्ट कंट्रीज की लिस्ट देखी जाए तो इंडिया का नंबर है 7वां। इंडिया के पास टोटल इंडिविजुअल वेल्थ कितनी है? 5600 बिलियन डॉलर, यानी कि 5.6 ट्रिलियन डॉलर। देखिए 1 ट्रिलियन में होते हैं एक के बाद 9 जीरो, यानी कि 10 की पावर 9, और 1 बिलियन में होते हैं, नहीं 1 मिलियन में देखिए होते हैं 10 की पावर 60, और फिर 1 बिलियन में होते हैं 10 की पावर 90, और 1 ट्रिलियन में होते हैं 10 की पावर 12, यानी कि 1 के बाद 12 जीरो। तो ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा, 1 मिलियन में कितना होता है? 10 की पावर 6, यानी कि 1 के बाद 6 जीरो। 1 बिलियन में होता है 10 टू द पावर 9, यानी कि 1 के बाद 9 जीरो, और 1 ट्रिलियन में होता है 10 टू द पावर 12, यानी कि 1 के बाद 12 जीरो। तो ये 5.6 ट्रिलियन इसमें इंडिविजुअल वेल्थ थी इंडिया की, यानी कि 5600 बिलियन।
तो 1,000 बिलियन होता है 1 ट्रिलियन के बराबर, उसी हिसाब से होता है फिर ये। और उसमें न्यू वर्ल्ड वेल्थ में इंडिया की रैंकिंग थी 7th ओवरऑल, और इंडिया कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और इटली से आगे था, और यूएस वेल्दीएस्ट कंट्री पूरे वर्ल्ड में, उसके बाद चाइना है 2nd नंबर पे और जापान 3rd नंबर पे। इंडिया की रैंकिंग थी 7th। और अगर वर्ल्ड की रिचेस्ट सिटीज में पूछा जाएगा आपसे, तो इसकी भी रैंकिंग न्यू वर्ल्ड वेल्थ ने पब्लिश की थी, और इसमें हिसाब से मुंबई की रैंक थी 14th, और इसकी मुंबई की वेल्थ है 820 बिलियन डॉलर, और इसमें नंबर 1 पे था ये लंदन 2.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ, और न्यूयॉर्क सिटी थी नंबर 2 पे 2.6 ट्रिलियन डॉलर के साथ, और फिर 3rd नंबर पे टोक्यो 2.2 ट्रिलियन डॉलर के साथ। फिर अगर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में देखेंगे 2016 का पब्लिश हुआ था, उसमें इंडिया की रैंक थी 7th। तो ये आप इसमें देखिएगा, और ये पब्लिश कौन करता है इसको, ये पब्लिश करता है सिडनी बेस्ड एक थिंक टैंक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, यानी कि IEP बोलते हैं इसको। ये सिडनी बेस्ड है, ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड है ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। इसमें इंडिया 7th नंबर पे था आउट ऑफ 163 कंट्री, मतलब जो कि मोस्ट इम्पैक्टेड बाय टेररिज्म है 2015 में, सबसे ज्यादा जिसको इम्पैक्ट किया है 2015 में, उस लिस्ट में इंडिया की रैंकिंग 7th थी। मतलब काफी वल्नरेबल सिचुएशन है, काफी सीरियस सिचुएशन है इंडिया की। इंडिया ने 7% टेररिस्ट अटैक जितने भी पूरे वर्ल्ड में हुए हैं उसमें से 7% इंडिया में हुए हैं, तो काफी सीरियस है ये। और इंडिया में जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं वो सिर्फ मतलब 4th हाईएस्ट है, वो इराक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाद। तो ये आप इसमें देखिएगा इसमें। और इंडिया में देखिए 2015 में इंडिया सफर्ड फीवर टेरर अटैक्स, 797 अटैक्स हुए हैं इंडिया में छोटे मोटे सब मिला के, केवल इराक अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ज्यादा हुए, और इंडिया में सीरिया से डबल अटैक हुए हैं। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 7 है, मतलब काफी वल्नरेबल सिचुएशन है। और ये सिडनी बेस्ड जो थिंक टैंक है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस वो पब्लिश करता है। फिर इंडिया की अगर आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देखेंगे, इसमें भी इंडिया की हालत बहुत खराब है। 2016 में इंडिया की रैंकिंग थी 97th, और इसमें 118 कंट्री का सर्वे किया गया था, और उसमें इंडिया की रैंकिंग आई थी 97th, और इसमें इंडिया का स्कोर काफी लो रहा है। 100 में से आउट ऑफ मतलब 100 मैक्सिमम में 28.5 केवल इंडिया को स्कोर मिला है। इसको पब्लिश कौन करता है, इसको पब्लिश करता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट इफप्री। तो ये आप इसको याद रखिएगा जरूर। और ये जो GHI है ये एक मल्टी डायमेंशनल स्टेटिस्टिकल टूल होता है, और जिसमें कई सारे पैरामीटर लिए जाते हैं, जैसे कि अंडर नरिश्ड पॉल्यूशन, सॉरी अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन, फिर चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो उसमें मतलब इंडिया की हालत काफी खराब बताई गई है, और इंडिया का जो हंगर सिचुएशन है बहुत सीरियस है ये। फिर अगर आप देखें आपदा जोखिम सूचकांक 2016 में 171 देशों की सूची में भारत का स्थान था 77th। तो इंडिया रैंक्ड 77th इन द डिजास्टर रिस्क इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब देखिए इसमें डिजास्टर रिस्क इंडेक्स का मतलब है कि अगर इसमें जिसकी एक रैंकिंग है वो काफी सीरियस है, वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल सिचुएशन पे है। जैसे कि जो आइलैंड ऑफ वनुआटू है ये इसमें ग्रेटेस्ट रिस्क है डिजास्टर के लिए, और इंडिया की 77th है, मतलब इसमें इंडिया की पोजिशन ठीक है। और ये जो इंडेक्स था ये डिजास्टर रिस्क इंडेक्स, इसको ये वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2016 का पार्ट था, और इसको पब्लिश किसने किया था, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी UNUEHS, और दूसरा कौन सा है बुंडुनिस एंटविलकल के करके है ये, और इन द कॉपरेशन विद यूनिवर्सिटी ऑफ स्टटगर्ट इन जर्मनी। मतलब काफी सारे 3 इंस्टीट्यूट ने मिलकर पेश किया था इसको डिजास्टर रिस्क इंडेक्स को। एक बार आप देख लीजिएगा, नाम तो इसमें याद नहीं हो पाएंगे, काफी लंबे नाम है, तो जो ऑप्शन रहेगा उसमें आप अगर एक बार देख लेंगे तो याद आ सकता है उस टाइम। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भी इंडिया की हालत काफी खराब है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2016 में 163 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक आई थी सिर्फ 141, यानी कि इंडिया इज अ लेस पीसफुल कंट्री इसके हिसाब से, ग्लोबल पीस इंडेक्स के हिसाब से। इसको पब्लिश कौन करता है, इसको पब्लिश करता है ग्लोबल थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो कि सिडनी बेस्ड है, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है। इंडिया की रैंकिंग 2015 में 143 थी, और ये 2016 में मतलब 2 प्लेसेस का इम्प्रूवमेंट किया है इंडिया ने, तो थोड़ी सी पीसफुल बनी है 2015 के कंपैरिजन में। आइलैंड इसमें आइसलैंड जो है ये नंबर 1 पे है थी पीसफुल,
हमारे अगर नेबर को देखेंगे तो भूटान काफी ज्यादा पीसफुल है, फिर नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, चाइना है, पाकिस्तान बस। तो वी आर ओनली मोर पीसफुल देन पाकिस्तान, मतलब सिर्फ हम पाकिस्तान से ज्यादा पीसफुल हैं, बाकी जो नेबर कंट्री है उससे हम कम पीसफुल हैं इस ग्लोबल पीस इंडेक्स के हिसाब से। पूरी दुनिया की जो लीस्ट पीसफुल कंट्री है वो कौन सी है, साउथ सूडान सेकेंड लास्ट, और सबसे जो लीस्ट पीसफुल है वो है सीरिया। फिर वैश्विक नवोन्मेष सूचकांक 2016 में भारत का रैंक था 66, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो 2016 का जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स था उसमें इंडिया की रैंकिंग थी 66। और इसमें देखिए 2015 में जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स था उसमें इंडिया की रैंकिंग थी 81, और इसमें इंडिया ने फिर 15 प्लेसेस का इम्प्रूवमेंट किया, 15 प्लेस बढ़ाया 2016 में, और फिर फाइनली 81 से हम आ गए 66 पे। और इसको पब्लिश कौन करता है, फ्रांस बेस्ड इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल है इनसीड, और दूसरा है विपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों मिलकर इसको पब्लिश करते हैं। वो विपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और ये 2007 से रैंकिंग कर रही है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी थी, 66। ये वीडियो आप एक दो बार देख लीजिएगा, और ये क्योंकि कितनी सारी रैंक मैं एक साथ दे रहा हूं तो कई बार कंफ्यूजन हो सकता है, जो मेन मेन है वो जरूर याद रखिएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें 2016 में जो रैंकिंग हुई है 180 देशों की रैंकिंग हुई है, 180 देशों का सर्वे हुआ है, उसमें इंडिया का प्लेस कितना था, 133rd, 133वां। और ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में ये इसको पब्लिश कौन करता है, फ्रांस बेस्ड इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स कहां पे बेस्ड है, फ्रांस में है ये, और ये पब्लिश करती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को, और इसमें इंडिया की रैंकिंग थी 2016 में 133। ये थोड़ी सी बायसनेस है इसमें, क्योंकि इंडिया में वैसे प्रेस काफी ज्यादा फ्री, और आपने देखा भी है कि इंडिया में जो प्रेस वाले लोग हैं या फिर मीडिया वाले लोग हैं एकदम काफी बिंदास तरीके से बोलते हैं और गवर्नमेंट की बुराई भी करते रहते हैं, ऐसा नहीं है इसमें कि इंडिया में इतनी कम रैंकिंग होनी चाहिए, तो ये थोड़ी सी इसमें बायसनेस रहती है। फिनलैंड की रैंकिंग है नंबर 1 पे और नीदरलैंड की नंबर 2 में। इंडिया के इवन जो नेबर्स हैं भूटान की रैंकिंग देखिए इसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में काफी ज्यादा है, नेपाल की भी ज्यादा है, इवन अफगानिस्तान भी इसमें, अफगानिस्तान में जो प्रेस फ्रीडम है उसको इंडिया से बेटर बताया गया। तो ये थोड़ा सा डाइजेस्ट करना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है कि अफगानिस्तान भी में भी ज्यादा है जो वहां की मीडिया है उसको फ्रीडम, श्रीलंका में फिर 141 है, बांग्लादेश में 144 है, पाकिस्तान में 147 है, चाइना में 176 है। तो ये आप याद रखिएगा, इसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग थी 133rd, और इंडिया से बेटर रैंकिंग है भूटान नेपाल और अफगानिस्तान की, और इसको पब्लिश कौन करता है, फ्रांस बेस्ड एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा जरूर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 2016 में 157 देशों की सूची में भारत का स्थान था 118वां, और इसमें सबसे जो टॉप पे है वो डेनमार्क है, वो डेनमार्क सर्वाधिक खुशहाल है, और बुरुंडी सबसे नीचे पायदान पे है। तो 157 देशों की जो रैंकिंग थी यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, उसमें इंडिया का प्लेस था 118वां। इसको पब्लिश कौन करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क SDSN, जो कि एक ग्लोबल इनिशिएटिव है यूएन का। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 118वीं, 157 देशों में हमारी रैंकिंग है 118वीं। डेनमार्क सबसे ज्यादा खुश कंट्री है, स्विट्जरलैंड सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा खुश है, और सीरिया बहुत दुखी कंट्री है, बुरुंडी सबसे ज्यादा दुखी है। 157 कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया का प्लेस है वर्ल्ड हैप्पीनेस में 118वां। इंडिया के नेबर में देखें तो नेपाल हमसे खुश है, चाइना भी हमसे खुश है, भूटान तो खुश हो गई, वहां पे तो जो GDP है वो भी GNH ही है, ये ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस वहां पे करते हैं, और फिर बांग्लादेश भी हमसे बेटर है, श्रीलंका भी इवन हमसे बेटर है, केवल वी आर मोर ओनली मोर हैप्पियर देन पाकिस्तान, मतलब हम सिर्फ सॉरी अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ज्यादा केवल हम हैप्पी हैं, पर मैं वो सब हमसे ज्यादा हैप्पी हैं। इस हिसाब से इसमें देखिए तो 118 रैंक थी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। एक क्वेश्चन आपसे है कि ये बताइए, अभी इंडिया में एक स्टेट गवर्नमेंट है जिसने एक हैप्पीनेस डिपार्टमेंट स्टार्ट किया है, उस स्टेट गवर्नमेंट का नाम बताइए, अभी लेटेस्ट न्यूज़ दिए
फिर एक वैश्विक कौशल प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट थी 2015 की, उसमें 109 देशों की सूची में भारत का स्थान था 89th। वैश्विक कौशल प्रतिस्पर्धा को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इंडिया की रैंकिंग थी 89th। 109 कंट्री को इसमें असेसमेंट किया गया, और इस सॉरी हाँ 109 कंट्री को असेस किया गया और इंडिया की रैंकिंग थी 89th। और इस लिस्ट को यानी कि GTCI यानी कि ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को कौन कंपाइल करता है? इनसीड बिजनेस स्कूल और इन पार्टनरशिप विद एडेको एंड ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर। और ये जो इंडेक्स है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये एक मेजर करता है कि कोई भी अगर पर्टिकुलर नेशन है तो उसका कितना कॉम्पिटिटिवनेस है, कि किस क्वालिटी का वो टैलेंट प्रोड्यूस करता है, फिर उसको और किस क्वालिटी का अट्रैक्ट करता है और कितना उसको रिटेन करता है, उस हिसाब से देखते हैं ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। उसमें इंडिया की रैंकिंग थी 89th आउट ऑफ 109 कंट्री। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2015, देखिए ये तो अभी लेटेस्ट 2016 का भी आ गया, तो ये आपको 2016 वाला याद रखना। 2015 में इंडिया की रैंकिंग थी 76th, और 2016 में अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले आई है उसमें इंडिया की रैंकिंग थी 79th। आपको 79th याद रखनी है। इंडिया की रैंकिंग मतलब पिछले साल से थोड़ा इंडिया और करप्ट हो गई है। इंडिया का स्कोर जो अभी किया है उसने 40 किया है 100 में से, और इंडिया का 79th रैंक थी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। और जिसको कि पब्लिश कौन करता है? बर्लिन बेस्ड यानी कि जर्मनी बेस्ड है करप्शन वॉचडॉग ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये इसको पब्लिश करती है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इंडिया ने पिछली साल स्कोर किया था 38th और इंडिया की रैंकिंग थी 76th, लेकिन इस बार जो इंडिया की रैंकिंग है वो है 79th। तो ये आप याद रखिएगा, ये लेटेस्ट है 2 दिन पहले यही। मोस्ट करप्ट इसमें से कंट्री कौन सी है? सोमालिया, साउथ सूडान और नॉर्थ कोरिया। और नॉन करप्ट है मतलब नंबर वन पे डेनमार्क और न्यूजीलैंड है, दोनों को फर्स्ट प्लेस मिला, टाई हो गया दोनों में। और इंडिया अगर देखें आप तो ये जो लेस करप्ट है पूरे जितने भी नेबर्स हैं हमारे, ये जितने भी नेबर्स हैं, 7 नेबर्स हैं। मैं बता चुका हूँ आपको, एक उसमें फार्मूला भी बताया था मैंने बचपन में MBA कर किया करके, और उसमें आपको बाउंड्री इंडिया कितनी बाउंड्री शेयर करता है, लार्जेस्ट बाउंड्री इंडिया किसके साथ शेयर करता है, ये सब पता चल जाएगा। तो इंडिया सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है वो आप बताइएगा उसमें, और बचपन में MBA का क्या फॉर्मूला होता है वो मैं बता चुका हूँ पहले आपको। सतत विकास सूचकांक 2016 में जो कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी किया जाता है, उसमें इंडिया का स्थान था 110वां। तो इंडिया का स्थान, इंडिया का प्लेस था 110th आउट ऑफ 149 कंट्रीज ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स एक्चुअली हर कंट्रीज को एसेस करता है कि वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जैसे कि 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट हैं। इसके लिए मैं एक फॉर्मूला भी बता चुका हूँ कि 17 गोल्स को याद रखने का एक ट्रिक बता चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, वो मेंस और कई जगह अगर आंसर राइटिंग में आपको काम आ सकता है कि कई सारे पॉइंट एक साथ उसमें उस फॉर्मूले से मिल सकते हैं आपको। 17 गोल्स और 169 टारगेट हैं, उसको कैसे कंट्रीज अचीव कर रही हैं, कैसे उस पर प्रोग्रेस हो रहा है और कितना अकाउंटेबल है कंट्री, ये सब चीज ये देखता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। और इसको लॉन्च किसने किया था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN एंड बर्टेल्समैन स्टिफ्टन ने। स्वीडन ने इस चार्ट को टॉप किया था, और फिर उसके बाद डेनमार्क और नॉर्वे आए थे। SDGs में बता दिया 17 ग्लोबल नॉन बाइंडिंग गोल्स हैं, 169 टारगेट हैं, 2015 से लेकर 2030 तक इसको इम्प्लीमेंट करना है। ये पहले चलता था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इसको और ज्यादा ब्रॉड कर दिया गया है और ज्यादा उसमें टारगेट जोड़ दिए गए हैं, तो ये बन गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। फिर वार्षिक नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2016 में इंडिया की रैंकिंग थी 91st, पहला स्थान मिला था सिंगापुर को। तो इंडिया को 91st पोजीशन मिली थी रिसेंटली रिलीज जो 2016 में हुई थी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स। इसको पब्लिश कौन करता है? जिनेवा बेस्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और ये जो इंडेक्स था ये पब्लिश हुआ था एज अ पार्ट ऑफ WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट। ये क्या मेजर करता है? जो वर्ल्ड ये नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स है, ये कंट्रीज की सक्सेस को मेजर करता है कि जो भी कंडीशंस हैं वो क्या कितनी ज्यादा ये नेसेसरी कंडीशंस हैं किसी भी कंट्री में कि उसको डिजिटाइज्ड इकोनॉमी में और सोसाइटी में कन्वर्ट होने के लिए, ट्रांजेक्ट करने के लिए। जैसे आजकल इंडिया में कैशलेस इकोनॉमी पे फोकस किया जा रहा है, तो उसी से रिलेटेड है ये नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स।
और ये कंट्रीज की सक्सेस को मेजर करता है कि कितनी उनके पास कंडीशन है अपनी इकोनॉमी को डिजिटाइज्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करने के लिए। इंडिया की पोजीशन लगातार चौथी बार इसमें गिरी है, 89 थी दो देखिए 68 थी 2013 में, 83rd हो गई 2014 में, 2015 में 89 हो गई, और फाइनली 2016 में 91 हो गई। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट क्या है इसमें, इंडिया को कैशलेस बनाना, लेकिन यहाँ पे हमारी रैंकिंग गिर रही है। मानव पूंजी सूचकांक 2016 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी 130 देशों की सूची में इंडिया का स्थान है 105th, पहला स्थान था फिनलैंड का। तो इंडिया का जो पोजीशन थी 105th थी आउट ऑफ 130 कंट्रीज में। और ये इसमें ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मानव पूंजी सूचकांक को। इसको रिलीज किसने किया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, और ये रिपोर्ट की गई थी जिनेवा डब्ल्यूएफ में, चाइनीज सिटी तियानजिन में। इंडिया के नेबर की देखें तो इंडिया के नेबर की पोजीशन हमसे बेटर है, श्रीलंका 50th पोजीशन पे, चाइना 71, भूटान 91, बांग्लादेश 104। तो वी आर ओनली बेटर देन नेपाल एंड पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स ऑफ 2016। इनेबलिंग ट्रेड इंडेक्स में इंडिया का स्थान था 102nd, 136 कंट्रीज में से इंडिया का स्थान था 102nd, और इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ग्लोबल अलायंस फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन। इनकी रिपोर्ट थी ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट 2016। और ये जो इंडेक्स है ये एसेस करता है कि जो इकोनॉमी है मतलब फ्री फ्लो ऑफ गुड्स किस हिसाब से हो रहा है और बॉर्डर्स एंड टू देयर डेस्टिनेशन, उसको ये जो इंडेक्स है ये एसेस करता है। फिर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2017 में इंडिया का प्लेस था 20th, और इसको क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है, जर्मन वॉच जो कि एक इंडिपेंडेंट जर्मन एनजीओ है, क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क यूरोप, ये दोनों मिलकर करते हैं। इंडिया की पोजिशन थी 58 कंट्री में से 20th, 58 कंट्रियों का असेसमेंट हुआ था और 20th पोजिशन थी ग्लोबल चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2016 में 183 देशों की सूची में इंडिया का स्थान था 133। तो इंडिया ने काफी पुअरली रैंक किया था ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में, जिसको की कंपाइल करता है कॉमनवेल्थ सेक्रेटरिएट, और ये इंडिया की रैंकिंग आई थी 133rd, 183 कंट्रीज में। जो नेबरिंग कंट्रीज है हमारी नेपाल भूटान और श्रीलंका से भी पीछे हैं हम काफी। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स जिसको पब्लिश करता है ऑस्ट्रेलिया बेस्ड जो ह्यूमन राइट ग्रुप है वॉक फ्री, ग्लोबल स्लेवरी स्लेवरी इंडेक्स को ये पब्लिश करता है ऑस्ट्रेलिया बेस्ड। इंडिया की रैंकिंग थी 167 कंट्रीज में से 4th, मतलब काफी सीरियस सिचुएशन है। परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा जो ग्लोबल स्लेव्स हैं वो नॉर्थ कोरिया में है, फिर उज्बेकिस्तान में, फिर कंबोडिया में, और 4th नंबर पे इंडिया में। लेकिन अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखेंगे तो इंडिया में सबसे ज्यादा नंबर के स्लेव्स हैं, मतलब इंडिया हैज द ड्यूबियस डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड ट्रैप्ड इन मॉडर्न स्लेवरी। तो मॉडर्न स्लेवरी के हिसाब से सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट नंबर में इंडिया में स्लेव रहते हैं, और परसेंटेज वाइज इंडिया में 4th हैं। तो इंडिया में कितने ये जो मॉडर्न स्लेवरी में ट्रैप्ड लोग हैं, 18.35 मिलियन, यानी कि 1.8 करोड़ के आसपास लोग हैं जो कि फोर्स्ड लेबर का शिकार है, बॉन्डेज लेबर, प्रोस्टिट्यूशन में वो लिप्त हैं, और बेगिंग में जबरदस्ती उनको, मतलब कई सारी जो इवेंट आप देखते रहते हैं ये इंडिया में, उन सब में प्रोस्टिट्यूशन में और इन सब में लोग हैं जो ग्लोबल स्लेव हैं, जो मॉडर्न जिसको स्लेवरी बोलते हैं। और उसके हिसाब से ओवरऑल 46 मिलियन लोग अभी भी पूरी दुनिया में स्लेवी स्लेवरी के चंगुल में फंसे हुए हैं, गुलाम बने हुए हैं मॉडर्न स्लेवरी में। 46 मिलियन मतलब 4.6 करोड़। तो ये हो गई पूरी रैंकिंग खत्म, पहला पार्ट हम देख चुके थे, सेकेंड पार्ट मैंने बता दिया है अभी आपको, फिर से बता दे रहा हूं। ये एक ग्रुप है फेसबुक में, ग्रुप हमने ज्वाइन ये स्टार्ट किया है /ग्रुप्स और /स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी, कई सारी पीडीएफ में फ्री देना इसमें चालू किया हूं अभी, और इसमें आपको पीडीएफ में अपलोड करता रहूंगा, आप इसमें देखते रहिएगा। ये मेरा प्रोफाइल है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं facebook.com/ज्ञान पी मिश्रा SCS, SCS कैपिटल में। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।